हेलो फ्रेंड्स, सेविज आर्ट ऑफ होम कुकिंग में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी रेसिपी परफेक्ट एंड टेस्टी बने उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और वीडियो में जो टिप्स दिए गए हैं उसे फॉलो करें। तो चलिए आज हम बनाते हैं गुजरात की पारंपरिक टेस्टी लाइव गांठिया की सब्जी। तो उसको बनाने के लिए चाहिए हमें एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज, एक बड़ा टमाटर छोटे पीसेस में कट करके लेना है, एक बारीक कटी हुई तीखी हरी मिर्च, अप्रोक्स यहाँ पे मैंने 150 ग्राम बेसन लिया है, 2 टीस्पून अदरक और लहसुन की पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। साथ में हमने यहाँ पे 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, ऐसे 3 बाउल छाछ यानी बटर मिल्क ली है, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड करी लीव्स लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लाइव गांठिया की सब्जी। सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है। उसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून राई। राई क्रैकल हो जाए उसके बाद हम 1/2 टीस्पून हींग डाल देंगे। बाद में जो बारीक कटा हुआ प्याज है वो डालना है। उसके बाद हम उसमें करी पत्ते डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाद में हम अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो ऐड करेंगे। अभी हमने जो टमाटर चॉप करके रखे हैं उसे एक बाउल में ले लेंगे। उसमें हम 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर ऐड करेंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। उसके बाद 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर उसमें ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। ये जो पूरा मिक्सर है उसे हम छौंक में डाल देंगे अभी और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से हमारा कलर है वो एकदम लाजवाब आया है। एक बार तेल ऊपर आने लगे और सभी इंग्रेडिएंट्स ग्रेवी जैसे फॉर्म में आ जाए तब हम उसमें छाछ यानी बटर मिल्क ऐड कर देंगे। हम लोग 3 बाउल छाछ यानी अप्रोक्स 500 ml जितनी ऐड करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पर रखी है और थोड़ी सी खट्टी है। हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे ताकि छाछ सारे मसालों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और मसाले का जो टेस्ट है उसमें अच्छे से घुल जाए। जब तक ये पक रहा है तब तक हम बेसन का घोल रेडी कर लेंगे गांठिया के लिए। एक बाउल बेसन लेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून जितना अजवाइन और थोड़ा नमक ऐड किया है। गांठिया के लिए अभी हम आटा गूंथेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी उसमें ऐड करना है। अभी चने के आटे का जो घोल है वो रेडी हो चुका है। ये ज़्यादा एकदम टाइट नहीं होना चाहिए। अभी ये हम एक छोटे होल वाली जारी ले लेंगे। उसमें हम ऊपर की साइड से जो घोल बनाया है उसको हाथ में लेके अच्छे से घिसेंगे ताकि कढ़ाई में गांठिया गिरे। आपको थोड़ी मेहनत लगेगी ये स्टेप करने में। जब तक घोल से कढ़ाई में गांठिये गिर रहे हो तब आपको गैस की जो फ्लेम है वो लो ही रखनी है। उसके बाद धीरे धीरे सभी मिक्सर को हिलाए ताकि ग्रेवी और मसाले जो है और हमारे जो गांठे है वो उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी तेल उसमें ऊपर आने लगा है।